असफल प्रयासों के बाद फाइनली देश की सबसे बड़ी सरकारी हेलीकॉप्टर कंपनी पवन हंस को बेच दिया गया। इसको एक कंपनी स्टार 9 मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड ने 211 करोड़ रुपए में खरीदा है। पर हैरत की बात यह है कि स्टार 9 मोबिलिटी कंपनी मात्र 6 महीने पहले ही बनाई गई है। 29 अक्टूबर 2021 को इस नई कंपनी को मुंबई में रजिस्टर किया गया है। पवन हंस का ONGC के साथ जॉइंट वेंचर था और इनकी हिस्सेदारी 51% और 49% थी। सरकार को अपनी 51% हिस्सेदारी के कम से कम 500 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद थी, लेकिन सरकार ने बेस प्राइस ही सिर्फ 200 करोड़ रुपए रखी थी और उससे मात्र 11 करोड़ रुपए अधिक देकर स्टार 9 मोबिलिटी कंपनी बिड लेने में सफल रही। मजे की बात यह है कि स्टार 9 मोबिलिटी के पास अपना एक भी हेलीकॉप्टर नहीं है। स्टार 9 मोबिलिटी 3 कंपनियों का एक समूह है और ये 3 कंपनियाँ बिग चार्टर प्राइवेट लिमिटेड, महाराजा एविएशन प्राइवेट लिमिटेड और अलमास ग्लोबल अपॉर्चुनिटी फंड हैं। अब आपको बताते हैं कि एक रिपोर्ट के अनुसार स्टार 9 मोबिलिटी की यह जो एसोसिएट कंपनी बिग चार्टर प्राइवेट लिमिटेड है, इसका लीज रेंट के एक मामले में एक दूसरी एविएशन कंपनी के साथ दिल्ली हाई कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। स्टार 9 की दूसरी एसोसिएट कंपनी महाराजा एविएशन प्राइवेट लिमिटेड के पास कुल 3 हेलीकॉप्टर्स ही हैं। इसकी तीसरी एसोसिएट कंपनी अलमास ग्लोबल का इस एविएशन बिजनेस से कोई सीधा संबंध है ही नहीं। परंतु आश्चर्य की बात है कि साउथ एशिया में सबसे अधिक उड़ान का अनुभव रखने वाली पवन हंस को मात्र 6 महीने पुरानी स्टार 9 मोबिलिटी को बेच दिया गया। आपको बता दें कि इस समय पवन हंस के बेड़े में 42 हेलीकॉप्टर्स हैं और यह लगभग 37 साल पुरानी हेलीकॉप्टर की सबसे बड़ी सरकारी कंपनी है। पवन हंस का ONGC के साथ जॉइंट वेंचर तो है ही, पर यह सिविल उड़ानों को भी संचालित करती है। इन सब के अलावा BSF के 6 ध्रुव हेलीकॉप्टर्स को भी HAL के लिए पवन हंस ही चलाता है। पवन हंस के पास लाखों टेक ऑफ्स और लैंडिंग का अनुभव है। हालांकि साल 2016 में ही पवन हंस को बेचने का फैसला हो गया था, पर तब से अब तक 3 बार बेचने की असफल कोशिश के बाद अब उसे फाइनली बेच दिया गया। अब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये बताइए कि क्या सरकार पवन हंस जैसी कंपनी को 211 करोड़ रुपए से अधिक में बेच सकती थी। अगर आपको यह बुलेटिन पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी अगली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।